यूट्यूबर बनना है यार, और मिलियन फैंस चाहिए, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और फेमस होना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस होना है। आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। बट भाई, लोगों को लगता है कि यूट्यूबर बनना बहुत आसान है, पैसे कमा लेंगे, मिलियन व्यूज मिल जाएंगे। एक गहरी सांस लीजिए, आराम से ये वीडियो देखिए, दैट हाउ टू बिकम अ ब्लॉगर ऑन यूट्यूब इन इंडिया। सब डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूँ, बस लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। So what's up guys, this is Dolesh here and welcome to my channel 200 Journeys. And this is Mohak. I have got a new friend with me, my college friend. So today, ज़्यादातर आपने मेरे चैनल पे ट्रैवल व्लॉग्स देखे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, बट बिकॉज आई हैव बिन रिसीविंग मैसेजेस, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें भी गाइड कीजिए। यस मोहक, यस ऑफ कोर्स। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू शो यू लाइक हाउ यू कैन स्टार्ट व्लॉगिंग। चार पांच चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है यदि आप न्यू कमर हैं यूट्यूब पे, आप अपनी जर्नी बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बैंड्रा और बस वहाँ पर शूट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे हम कैसे करते हैं। यस राइट, एंड हाउ यू कैन स्टार्ट द व्लॉगिंग, योर ओन पेज विद योर ओन क्रिएटिविटी, ओन कंटेंट एंड द बेटर वन, good one best we are yes, you yes. can create the good one. Obviously right. We're not giving anybody chance na. The first chance. Sahi baat. How to start vlogging? पिछले दो तीन साल में vlogging की डिमांड YouTube पर बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से vloggers भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। But still there is somewhere scope कि भाई you have to understand how to start vlogging on YouTube। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कैमराज एंड इक्विपमेंट्स। यदि आप मेरा चैनल थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो सबसे पहली वीडियो मैंने शूट की थी इस पर, यह है सोनी साइबर शॉट। तो इस पर मैंने वो पहली वीडियो शूट की थी, उसके बाद मैंने यूज़ किया GoPro Hero 5 जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है, जो आज की डेट में आपको मिल जाएगा लगभग 25,000 रुपये में, ओनली 25,000 INR। GoPro का नया वर्जन आया है जो है GoPro Hero 7, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बट उसकी कॉस्ट है अराउंड 35,000 समवेयर। तो यदि आप अपकमिंग ब्लॉगर हैं आप मोबाइल पर स्टार्ट कीजिए, मेरी आपको तो राय यही है आप मोबाइल पर स्टार्ट कीजिए, कम से कम बजट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पर आपको ध्यान देना है वो है साउंड। तो फिलहाल मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है रॉड माइक और जो मेरा कैमरा है वो है निकॉन D5 600। इसकी कॉस्ट अराउंड आप कह सकते हैं 52,000 यदि आप ऑनलाइन परचेज करेंगे। तो कैमराज में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप ले रहे हैं थोड़ी बहुत क्वालिटी हो, एंड द साउंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यदि आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी साउंड में, बट यदि आप मेरी तरह जैसे बाहर आके शूट कर रहे हैं तो माइक आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ताकि जो आपके व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी सी क्वालिटी इनिशियल मिले। एक बार आपके पास सब्सक्राइबर्स हो जाएं, व्यूअर्स हो जाएं, फिर आप जो भी अच्छा कैमरा DSLR स्विच करना चाहें आप वो ले सकते हैं। तो कैमरे की तो बात हो गई, अभी ये बताओ कि कमा कितना लेते हो? दैट इज द क्वेश्चन। जब लोग ये पूछते हैं ना कितना कमा लेते हो तो मेरे मन में एक अजीब सा डाउट आता है। पॉइंट नंबर टू आपके लिए, इन्वेस्टमेंट एंड मोनेटाइजेशन, जो यूट्यूब पर पैसा कमाने का प्रोसेस है उसे कहते हैं मोनेटाइजेशन। इसकी एलिजिबिलिटी अभी रिसेंटली चेंज की गई थी और अब ये है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स। जब आपके चैनल पे ये क्रॉस होंगे तभी आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हैं। देखिए आप कितना कमा सकते हैं वीडियोस से या अपने यूट्यूब इनकम से कितना आप कमा सकते हैं, रफली मैं आपको आइडिया देता हूँ। फॉर 1 लाख व्यूज़ जो इंडिया में आपकी कमाई होगी, फॉर 1 लाख व्यूज़ इट इज़ अराउंड 4000 to 5000, डिपेंड्स अपॉन द CPM। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दिस इज़ नथिंग फिक्स्ड,
यदि आपकी वीडियोस को इंटरनेशनल व्यूअर्स मिले, इंटरनेशनल क्राउड मिला, तो आपकी वीडियोस ऑलमोस्ट 10,000 या 12,000 भी कमा सकती हैं। एंड फॉर 1 मिलियन व्यूज इट गोज यू नो समवेयर 40,000-50,000, बट अगेन दिस इज वॉलेटाइल। मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज नॉट फिक्स्ड, बट आपका फोकस एज अ कंटेंट क्रिएटर, जब आप बिल्कुल अभी शुरुआत में हैं, जब आप फोकस कर रहे हैं, तो आपका फोकस मोनेटाइजेशन उतना मत रखिएगा, बिकॉज YouTube पर यदि आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, YouTube इज नॉट फॉर यू। यहाँ पर आपका फोकस शुड बी ओनली एंड ओनली योर पैशन, दैट इज क्रिएटिंग मोर एंड मोर कंटेंट। और जब आप अपनी जर्नी YouTube पर शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप द वीडियोस शॉर्ट। एकदम स्टार्टिंग में वीडियोस शॉर्ट रखिए, हार्डली 2-3 मिनट्स। देखिए जब सब्सक्राइबर एकदम कम है, सपोज 200 सब्सक्राइबर्स हैं, 300 सब्सक्राइबर्स हैं, आप 15 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो देर आर चांसेस कि लोग आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड, दे विल थिंक कि भाई आपकी वीडियोस को व्यूज़ नहीं मिल रहे, सब्सक्राइबर कम है, तो आपके कंटेंट में दम नहीं है। ये ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो पहले सिर्फ 2-3 मिनट की वीडियो बनाइए, जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो फूड हो, ट्रैवल हो, टेक्निकल हो, लाइफस्टाइल हो, इट कैन बी एनीथिंग, उस पर फोकस कीजिए, 2-3 मिनट की वीडियो बनाइए, और जब आपको दिखे कि भाई धीरे धीरे आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, लोग आपका कंटेंट पसंद कर रहे हैं, और जब लोग कमेंट सेक्शन में लिखने लगे कि भाई आप थोड़ी लंबी वीडियोज़ बनाइए, जैसे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में डालते हैं ट्रेन जर्नीज़ के लिए कि भाई 20 मिनट की नहीं 30 मिनट की वीडियो बनाइए, जब लोगों को कंटेंट पसंद आने लगे तब आप लंबी वीडियोस बनाइए, तब आप ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करेंगे, ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, और आई एम श्योर आपके पास ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इवेंचुअली यू हैव टू कीप इट शॉर्ट। साहब, सो हे गाइस, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम नथिंग बट जस्ट यू नो एडिटिंग। All right, she is doing editing. ये हमारा पॉइंट नंबर 4 जिसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एडिटिंग के लिए आप बहुत सारी फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट वॉट आई वुड रिकमेंड इज फॉर विंडोज़ एडोब प्रीमियर प्रो, और मैक के लिए फाइनल कट प्रो, दैट इज़ FCP। अब देखिए आई वुड एडवाइज यू कि आप एडिटिंग खुद सीख लें यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, बिकॉज आप यदि आप बाहर से एडिटिंग कराएंगे तो वीडियो एडिटर विल चार्ज यू समवेयर 1,000-2,000 rupees पर वीडियो, जो मेरे साथ इनिशियली हुआ था। येस आई पेड दिस मच अमाउंट। तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने YouTube पर ही वीडियो एडिटिंग सीखी, एंड नाउ आई एडिट द वीडियोस बाय माय सेल्फ। तो मेरी आपको एडवाइस यही है, प्रीमियर प्रो आप जल्द से जल्द सीख लें, और मैं आपको एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, दिस इज़ यूट्यूबर्स क्रिएटर्स एकेडमी चैनल लिंक, जहाँ पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा अबाउट द एडिटिंग, एंड दिस इज़ फ्रॉम यूट्यूब इट्सेल्फ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ध्यान से जाइए, आराम से वीडियोस देखिए, और सबसे पहले मेरी एडवाइस आपको यही है कि एडिटिंग ज़रूर सीखिए, बेसिक सीखिए, बेसिक सीखिए, बट खुद कीजिए। तो मुझे बताओ सोशल मीडिया का क्या? यस सिस्टम। पॉइंट नंबर 5, एज एन अपकमिंग आर्टिस्ट, एज एन अपकमिंग यूट्यूबर, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो वीडियो लिंक्स हैं या आपकी जो भी वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, यू हैव टू प्रमोट ऑन सोशल मीडिया, जैसे कि इंस्टाग्राम। आपने कोई भी एक सेल्फी खींची, यस मोहक लाइक दिस वी टेक अ सेल्फी, और आपको वो इंस्टाग्राम पे प्रमोट करनी है, फेसबुक, ट्विटर, या जहाँ भी आप प्रमोट कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आपके वीडियोस पर ट्रैफिक आएगा, थोड़ा बहुत आपको व्यूज़ मिलेंगे, एंड आई एम श्योर यदि आपके कंटेंट में दम हुआ तो फिर आपको बल्ले 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 और सब्सक्राइबर्स भी गेन होंगे। तो इंस्टाग्राम को यदि आप ट्रैवल में डील कर रहे हैं या फूड में डील कर रहे हैं, तो प्लीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट yes. बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग इम्पॉर्टेंट, यू नो जब आप दूसरों तक पहुँचोगे तभी वो आप तक पहुँचेंगे, तो पहला अप्रोच आपको करना पड़ेगा कि आप पहुँचो, उसके बाद तो आते रहेंगे। सही बात रहेगा किस्सा। और कोशिश कीजिए वीडियोज़ में भी यदि आप अपने इंस्टाग्राम लिंक्स, ट्विटर लिंक, जो भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए चेक कीजिए, और यदि आपको कंटेंट पसंद आया, I'll give you my Instagram. Yes, मैं मोह का इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो चेक कीजिए, और बस
कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको ध्यान रखना है, अपने व्यूअर्स को लाइक करने को बोलिए, बिकॉज यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है, जितने ज़्यादा लाइक्स उतनी जल्दी आपकी वीडियो ऊपर आएगी सर्च इंजन में। तो ये इस बात का ध्यान रखिए, सर्च इंजन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू माय डार्लिंग। हाँ यस, बट दिस नारियल पानी यार, दिस इज जस्ट अमेजिंग। चीयर्स। चीयर्स। तो आज हम बात करेंगे पहले तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ी चीज मतलब कहाँ से आती है। यस, उम्मीद है आपको ये दिख रहा है, दिस इज मन्नत एंड दिस इज सबकी मन्नत है। और yes. किसके पास है? मिस्टर शाहरुख खान, दी शाहरुख खान, द विला ऑफ शाहरुख खान, बॉलीवुड सुपरस्टार इन बैंड्रा। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यदि आप यूट्यूबर बनने आ रहे हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी लाइक दिस मैन, दिस पर्सन, लाइक दिस पर्सन फॉर मोर देन 25 इयर्स और आज भी जस्ट कंसिस्टेंस, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग, कोई कुछ भी बोले, कैसा भी बोले, कैसा भी सोचे, उनको पता है कि उनको क्या करना है। एंड ऑब्वियसली मेन थिंग कंसिस्टेंसी, यस, दैट इज व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम। करेक्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूट्यूब पर जो है लगातार वीडियोस अपलोड करते रहिए। यदि आप न्यू क्रिएटर हैं तो मेरे हिसाब से इवन इफ यू अपलोड 5 वीडियोस इन अ मंथ, दैट इज मोर देन इनफ। बट यदि कामयाबी चाहिए इस आदमी की तरह, तो लगातार बस करते रहिए विथ पैशन, नॉट फॉर मनी। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग, दिस इज डोलेश एंड मोहक saying bye from this beautiful place, RJD MHK, you can just go and check out. All right, so thank you so much. Bas travel karte rahiye, explore karte rahiye, because journeys aapko kuch naya sikhate hain. Mujhe Instagram par join kijiye. Yadi aapko content mein maza aaya, subscribe zarur kijiyega, hit the bell icon, because aapke liye main aur dher sari videos lata rahunga. So this is Dolesh, like, comment, subscribe, saying goodbye, take care, bye bye.